पापा जय जय कर रहे हैं, करना है जय जय? हाँ आज जय जय नहीं करना? नहीं, नहीं, मम्मी तो कुछ कर ही नहीं रही, लेकिन सेलिब्रिटी हमारी फोटो मत खींचो, हमारी फोटो मत खींचो, सेलिब्रिटी नहीं करते अच्छा ठीक है। ओफ किशोर तेरा चिल्लाना बहुत हो गया है यार, सीरियसली ये मेरा, मैं तेरे इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही हूँ और तू ऐसे कर रहा है, ये रहा, हे भगवान चिपके ना। अरे वाह, अरे वाह, ऑसम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है शनिवार का दिन और बज रहे हैं सुबह के 10 बज चुके, 10 के ऊपर ही हो चुके हैं। यहाँ ये कार्तिक पूजा कर रहा है, पूजा करते इंसान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमारे लिए भी कुछ मांगता है वो। तो आज दिन में आज कुछ स्पेशल है, आज स्पेशल मैं बता देती हूँ आपको, मैं इतना लंबा बाकी व्लॉगर्स की तरह खींचूंगी नहीं कि बने रहिए फिर बताऊंगी, बने रहिए फिर बताऊंगी, मैं बता देती हूँ क्योंकि मेरे पेट में वैसे कोई बात नहीं बचती। तो बात यह है कि आज मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर, दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट विजिट टू सरोजनी नगर। मैं आज तक सरोजनी नगर नहीं गई, सुना बहुत है बट आज हम देखेंगे भी अपनी आंखों से। कुछ अगर अच्छा सामान मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो एटलीस्ट आई विल हैव अ लुक अराउंड और क्या क्या सामान मिलता है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो देख करके, एंड देन आई विल कम बैक। तो जो लोग मेरी तरह अभी तक आज तक सरोजनी नगर देखा नहीं है, गए नहीं है, सुना बहुत है, तो वो इस वीडियो में बने रहे और मेरे साथ चले सरोजनी नगर मार्केट। मुझे बात करो आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, पर मेरा भारत जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। हेलो हाँ, तो गेट नंबर 1 पे आना, हाँ आ जाओ फटाफट, सरोजनी नगर दिल्ली आ जाओ। हाँ हम लोग फाइनली कैब में बैठ गए, मेरी फ्रेंड है रिचा, हम दोनों जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट पर, धावा बोल रहे हैं, हमें नहीं पता कोई पसंद आएगा नहीं आएगा, तो तेरा भी फर्स्ट टाइम है ना? फर्स्ट टाइम है मैं, हम दोनों का ही फर्स्ट टाइम है, तो हम देखेंगे अगर कुछ पसंद आया तो खरीद लेंगे, अदरवाइज एक्सप्लोर करना तो बनता है। भैया भैया गाड़ी बहुत तेज आ रही है, ये ना ये जो कट है ना ये बहुत रिस्की है, तो हम लोग मेट्रो से नहीं जा रहे हैं, ऑल्दो मेट्रो में जाना काफी कन्वीनियंट है कि गेट नंबर 100 उतरते ही 400 मीटर की दूरी, 500 मीटर की दूरी पर सरोजनी का मार्केट है, पर हम लोग नहीं जा रहे हैं ड्यू टू कोरोना, क्योंकि थोड़ी भीड़ भीड़ होगी एंड ऑल दैट। प्लस हमारे घर से जहाँ हम रहते हैं हमें वहाँ से मेट्रो स्टेशन जाना पड़ेगा बाय कैब और बाय कार, फिर वहाँ से मेट्रो पकड़नी होगी, वैशाली से मेट्रो पकड़ के आप आनंद विहार आओ, अगर आप वैशाली की तरफ से गाजीबाद में रहते हो तो आपको मेट्रो से जाना है तो आप वैशाली मेट्रो स्टेशन से आनंद विहार मेट्रो स्टेशन आओ, और आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से पिंक लाइन पकड़ के सीधे सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन जाएंगे, कहीं नहीं उतरना है। अब मुझे पता मास्क में आप लोगों का आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है। तो सबसे पहले हमको ये शॉप मिली है ट्राइपॉड रिंग लाइट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का ट्राइपॉड है ना जिसपे व्हाइट कलर की रिंग्स बनी, वो 250 रुपीज़ का है, भैया ने हमको वीडियो बनाने से मना करते हैं, कुछ शॉप वाले थे जो आपको वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। सो एनीवेज यहाँ पे 100 रुपीज़ के आप देख सकते हो ये वुलन टॉप मिल रहे हैं, सारे अच्छे नहीं, आई वुडंट से कि बहुत अच्छी क्वालिटी थी, आपको छाटने पड़ेंगे और अपने हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हो ये मरून कलर का जो टॉप है ना पुल ओवर, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ये वॉर्म था, सो आई हैव परचेज दिस वन 100 रुपीज़ में।
सो एज अ जस्ट सेट कि सबकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, आपको खुद को देखना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा और फिर लेना पड़ेगा। इसके बाद हम गए, ये नाइट वेयर की शॉप है, यहाँ पे ये शनील के बड़े सॉफ्ट उस टेक्सचर में, सॉफ्ट कपड़े में ये पूरा नाइट वेयर दे रखा है। इसका ये टॉप भी है और बॉटम भी है। मैंने ये परचेज़ किया 390 रुपीज़ में, पर्पल कलर का मैंने परचेज़ किया। वैरायटी बहुत अच्छी थी एंड क्वालिटी वॉज ऑल्सो डिसेंट। उसके बाद ये मिले हमें एथनिक एयरिंग्स, ये 100 रुपीज़ में एथनिक एयरिंग्स मिल रहे थे। जो फिनिशिंग है काम की वो काफ़ी अच्छी है। मुझे ये पिंक कलर की जो देखना अभी आगे झुमकियां हैं ये वाली, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। आई डेंट गो फॉर इट, मैंने परचेज कुछ नहीं किया है शॉप से क्योंकि मुझे थोड़ी वैरायटी कम लगी। तो आई जस्ट थॉट के भी आगे और एक्सप्लोर कर लेते हैं, हो सकता है इससे बेटर मिल जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलेट्स हैं, मेकअप पाउचेस हैं, ट्रैवल पाउचेस हैं। सो ये सब हम एक्सप्लोर कर रहे थे। इसमें आप देख सकते हैं जो मैक जहाँ पे लिखा हुआ, ये मेकअप पाउच हमने परचेज़ किया। भैया 150 का बोल रहे थे बट हमने नेगोशिएट करके अच्छे से 100 रुपीज़ में ले लिया। बहुत ही अच्छा मेकअप पाउच है, पोर्टेबल सा है, तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे तो इसमें अपना लिमिटेड मेकअप का सामान रख के आप बैग में रख लीजिए, आपको हैवी भी नहीं लगेगा। उसके बाद हम इसको और अंदर मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सूट की शॉप है, मेकअप यू नो कॉस्मेटिक की शॉप है, देन शॉल वगैरह की शॉप है, अगर आपको सूट का कपड़ा लेना है तो उसकी शॉप है। तो काफ़ी ज़्यादा यू नो वैरायटी थी एंड ऑप्शंस वर आल्सो देयर। उसके बाद हम आगे बढ़े और यहाँ पे ये 150 रुपीज़ के अगेन वुलन टॉप्स मिल रहे थे। इनकी जो क्वालिटी है ना वो पिछले जो 100 रुपये के मिल रहे थे ना उससे थोड़ी सी बेटर थी। आई वुडन्ट से बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी, बट एज आई जस्ट सेड कि आपको देखना पड़ेगा, आपको 100 रुपये में भी अच्छे मिल सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 200 रुपये में भी क्वालिटी अच्छी ना मिले। मिक्स्ड वैरायटी होती है, मिक्स्ड क्वालिटी होती है, तो देखना पड़ता है, छांटना पड़ता है और फिर ही उसके बाद परचेज करना पड़ता है। यहाँ पे 250 रुपये की जैकेट्स मिल रही थी, तो जैकेट्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं इसमें काफ़ी सारी जैकेट्स ट्राई करके देख रही थी, तो काफ़ी वुलन थी, मतलब काफ़ी वॉर्म थी जैकेट्स। और इसमें से मैंने यहाँ पे मैंने एक जैकेट परचेज़ की है, ये वाली इस कलर की मैंने जैकेट परचेज़ की है। तो मैंने इसको ट्राई करके देखा था, मुझे फिट भी अच्छी हुई और मेरे पे लग भी अच्छी रही थी। अभी आप देखना वीडियो में, मैं यहाँ पे देखो ये ट्राई कर रही हूँ जैकेट को, तो कलर भी बहुत अच्छा लगा, पिंकिश सा कलर है, मतलब आई वुडंट से कंप्लीट पिंकिश, कंप्लीट वाइट, पिंक और वाइट के बीच का जो कलर होता है, बेबी पिंक से भी काफ़ी हल्का जो कलर होता है वो है। तो आप देखो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, ये पहन के भी बहुत ही इसे स्मार्टी लुक दे रहा था, कलर भी अच्छा लग रहा था और गर्म भी थी जैकेट। इसके बाद मुझे ये वाइट कलर का फर वाला से कोट दिखा जो कि काफ़ी यू नो हैवी था और मतलब गर्म भी था। ये मैंने ट्राई करके देखा और ये बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडी लग रहा था। तो अगर जैसे आप ऑफिस जा रहे हो या रोज अगर आप कॉलेज जाते हो, सो अगर आप इस टाइप के कोट्स पहनोगे तो आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगोगे। तो मुझे ये कोट काफ़ी पसंद आया, इसको मैंने परचेज़ किया 200 रुपीज़ में। जैकेट मैंने परचेज़ करी 250 रुपीज़ में, सो मैं 250 प्लस 450 में कोट और जैकेट परचेज़ किया। यहाँ पे ये 100 रुपीज़ में कुछ ब्लेजर्स मिले थे, डोंट गो फॉर देम, वैरायटी वाज सॉरी क्वालिटी वाज वेरी वेरी पैथेटिक, सो जस्ट डोंट गो फॉर देम। यहाँ पे ये आप देख सकते हो 350 रुपीज़ में ना छोटे बच्चों की जैकेट्स मिल रही थी, तो ये जैकेट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मतलब मैंने यहाँ से एक जैकेट ली अपने बच्चे के लिए, सो यहाँ पे गर्ल्स के लिए स्पेशली मुझे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लगे। पिंक कलर, रेड कलर की जैकेट्स बहुत अच्छी थी, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी थी, काम अच्छा था। तो 350 रुपीज़ में इज़ नॉट एट ऑल बैड यार, मतलब। उसके बाद यहाँ पे इसके फ्रंट में ये 100 रुपीज़ में यू नो ये क्या कहते हैं इनको, सॉफ्ट टॉयज़ मिल रहे थे। सॉफ्ट टॉयज़ मैंने नहीं लिए, मेरे पास घर में बहुत सारे, बट अगर आपको खरीदने हैं तो अच्छे थे सॉफ्ट 100 रुपीज़ में। सॉफ्ट टॉयज़ की जो क्वालिटी थी, वैरायटी थी, वो बहुत अच्छी थी। यहाँ पे हम लोग कुछ डेनिम जैकेट्स देख रहे हैं। एक्चुअली माई फ्रेंड इज गोइंग टू गोवा यू नो ऑन क्रिसमस, तो उसको थोड़े गोवा टाइप वाले कपड़े चाहिए थे, तो ये शॉर्ट जैकेट हमें डेनिम में अच्छी लगी। इसका जो टेक्सचर है और इसकी जो क्वालिटी, और ये बड़ी स्मार्टी लुक लग रहा था, तो हमने इस जैकेट को परचेज़ किया 200 रुपीज़ में। इसके बाद हम आगे बढ़े और यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा होम डेकोर का सामान मिल रहा है, विंड चाइम्स मिल रहे हैं, बुद्धा जी मिल रहे हैं, गणेश जी हैं, काफ़ी सारे घर को सजाने वाले जो आइटम्स होते हैं घर में लगाने वाले वो मिल रहे थे। सो वी डिड नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम हियर, बट वी जस्ट थॉट टू कैप्चर इट एंड शो इट टू यू गाइज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़े और यहाँ पे यू नो कार्डिगन्स मिल रहे थे, कोट मिल रहे थे, कार्डिगन मिल रहे थे 350 में, कोट मिल रहे थे 500 में। तो ये 350 रुपये के कार्डिगन थे जिसमें से हमने 2 कार्डिगन परचेज़ करे अपने पेरेंट्स के लिए। क्वालिटी अच्छी थी और ये जो काम हो रखा है, जो डिज़ाइन था, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया, वैरायटी बहुत थी। देन यहाँ पे 150 रुपीज़ में पैंट्स मिल रही थी, मतलब फॉर्मल पैंट्स भी थी, स्कर्ट्स भी थी, आप देख सकते हो फॉर्मल स्कर्ट मिल रही थी, ट्राउज़र्स थे। सो वी वर जस्ट यू नो लुकिंग फॉर, अगर हमें कुछ पसंद आ जाता है तो वी विल गो फॉर इट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर में, डिफरेंट कलर में काफ़ी सारा यू नो वैरायटी दे रखा है 150 रुपीज़ में। बाकी लोग भी सर्च कर रहे थे,
फिर हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े और थोड़ा यू नो मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे क्या क्या है। मैंने कोशिश की कि मैं सब कुछ जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकूँ, मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। मेरा फर्स्ट विजिट था सरोजनी नगर मार्केट, तो थोड़ी सी ना मैं ऐसे होपलेस सी भी हो रही थी बीच में, बिकॉज़ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए। बट येस, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। तो यहाँ पे कुछ ये क्लचेस, स्लिंग बैग्स, हैंड बैग्स यू नो मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनके प्राइसेज है, कोई 350 का है, कोई 150 का है। अब बात है इयर रिंग्स की, जो आपको बोलती ना कि हम आगे बढ़े थे, तो ये वाली शॉप थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा और वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा वैरायटी वहाँ पे, सिर्फ एथनिक मिल रहे थे, बट यहाँ पे यू नो हुप्स भी थे, वेस्टर्न वेयर भी थे, मतलब वेस्टर्न वेयर पे जो आप इयरिंग्स पहन सकते हैं वो भी हैं। तो ये 100 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में यहाँ पे अवेलेबल थे। हमको ये रेड और ये वाइट वाले बहुत अच्छे लगे, सो वी वेंट फॉर इट, और भी हमने परचेज किए थे, बट या वेरायटी वॉज देयर। अगेन यहाँ पे लेडीज़ बैग मिल रहा है 350 रुपीज़ में, तो हमको ये वाला जो छोटा सा आप देख रहे हो, जो हम ट्राई करें, ये मैट फिनिश में ये बैग मिल रहा था छोटा सा, ये काफ़ी ट्रेंडी है लग रहा था, यू नो इफ यू आर गोइंग फॉर एनी पार्टी या मार्केट तक भी जा रहे हो। सो ये हमको पड़ा 200 रुपीज़ में, सो वी परचेज दिस बैग ऑल्सो। और भी ज़्यादा वेराइटी थी, आप देख सकते, क्लचेस बहुत सारे थे, बहुत सारे क्लचेस थे। या इसके बाद यहाँ पे फुटवेयर मिल रहे थे 250 रुपीज़ में, सो ऑल दो विंटर के हिसाब के फुटवेयर तो नहीं है, विंटर में तो लोग चाहते हैं पैर ढके रहें ठंड के मारे, बट अगेन अगर आप कहीं गोवा वगैरह घूमने जाने की सोच रहे हैं, बिकॉज अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोग जाते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे शॉप्स थे ऐसे बीच पे यू नो इस टाइप के फुटवेयर पहन के, एंड यू कैन रोम अराउंड। सो हम लोग ट्राई कर रहे थे इस टाइप के फ्लिपॉन्स, एंड ये ब्लैक कलर का हमको अच्छा लगा था, उसके ऊपर जो फ्लोरल काम हो रखा था वी रियली लाइक्ड इट। सो यहाँ पे हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, एंड दोनों ट्राई करने के बाद हमने ये ख़रीदा था, ये जो मस्टर्ड कलर में आपको दिख रहा है, येलो कलर का, ये बहुत अच्छा लग रहा था पहनने के बाद, बहुत ही ऐसे कूल सा लग रहा था, सो वी वेंट फॉर इट। देन यहाँ पे 200 रुपीज़ में ये मिल रहे थे, स्टोल मिल रहे थे, गरम स्टोल मिल रहे थे। सो मैंने यहाँ से 2 स्टोल ख़रीदे, सारे तो गरम नहीं थे, मतलब ऐसे कुछ कुछ ना बहुत हल्के हल्के से भी थे, बट मैंने छांटे और छांट के मैंने 2 स्टोल निकाले, तो आप जो देख रहे हो चेक वाला जो है ये गरम था, सो ये वाला मैंने एक परचेज़ किया। और इसके आगे आगे भी आप देखना है, एक रेड कलर का भी आएगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यस, ये वाला, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा ट्रेंडी सा लग रहा था, तो मैंने ये वाला भी परचेज कर लिया। जैसे नेक वगैरह में डाल के जाओ, या अगर शाम वाम को अगर हल्की बहुत ठंड है, आप यू नो अपने सोसाइटी के, अपने कॉलोनी में अगर वॉक करो, तो यू कैन जस्ट कैरी देम अलॉन्ग। यहाँ पे ये कुछ जैकेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये जैकेट्स मिल रहे थे, कोट्स मिल रहे थे 300-350 रुपये में। सो या ये अगेन 200 रुपीज़ में यहाँ पे आउटसाइड में जैकेट्स मिल रही थी, सो मैंने तो ख़रीद ली थी, बट शी इज़ ऑल्सो ट्राइंग वन फॉर हर सर, देखो अगर फिट होती है तो शी विल गो फॉर इट। तो ये ब्राउन कलर की जैकेट है, अगेन गाइज एज आई जस्ट सेड कि सरोजनी नगर मार्केट में जो मैंने यू नो मतलब रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं है कि सारा माल ही बहुत अच्छा है, आपको मतलब आप पे पेशेंस चाहिए, आपको थोड़ा छांटना पड़ेगा, एंड देन अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्राइसेस बहुत कम है, लेकिन प्राइसेस कम होने के हिसाब से वैरायटी भी कहीं कहीं बहुत ही बेकार थी, पर कुछ कुछ वैरायटी बहुत अच्छी होती है। सो वो जैकेट उसको फिट नहीं आई, तो वो बाकी कोई जैकेट देख रही है, अगर उसे पसंद आती तो शी विल गो फॉर इट। यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन ये 100 रुपीज़ का टॉप मिल रहा था, तो आपको जो व्हाइट कलर का टॉप दिख रहा है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, बट ये किसी और के हाथ में था, कोई और इसको खरीदने की देख रहा था, और भैया के पास कोई इसका दूसरा पीस भी नहीं था, इसमें कलर दूसरा था, पिंक कलर का कलर, पिंक कलर में भी ये टॉप था, बट मुझे वो व्हाइट कलर का बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, ऐसे वो गर्म था, फर वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो टॉप नहीं मिल पाया, बिकॉज the other ones decided to go ahead with them, maybe मेरी उत्सुकता देख के उनको भी लगा कि नहीं नहीं ये छोड़ते नहीं है। यहाँ पे अब देखो हम देखने कुछ और भी हमको अगर पसंद आ जाए तो यार ये डेली वेयर में यार 100 रुपीज़ में बुरे नहीं है। देन अगेन 200 रुपीज़ में यहाँ पे ये ब्लेजर्स मिल रहे हैं मुझको ना, यहाँ पे ये अभी ये ग्रेइश वाला जो आप देख रहे हो ना, ये पसंद आया था, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली मुझे फिट नहीं हो पाया, उसके अलावा मुझे कोई पसंद नहीं आया। पिंक कलर वाला ही पसंद आया था, लेकिन पिंक कलर का ब्लेज़र ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैंने वो परचेज़ नहीं किया, बट या 200 रुपीज़ में नॉट बैड एट ऑल। यहाँ पे कुछ श्रग्स वगैरह ये मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे श्रग्स देख रहे थे, प्लस हमें कुछ अगर समर का यू नो क्रॉप टॉप वगैरह मिल जाए, तो वी वर लुकिंग फॉर माई फ्रेंड हु इज़ प्लानिंग टू विजिट टू गोवा सून। तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़े और ये हमको मिली नाइटीज़ मिली, ये 350 रुपीज़ में, यू नो शनील वाला जो कपड़ा होता है उसमें ये नाइटीज़ हैं फुल लेंथ की, काफ़ी अच्छी लगी, हमने ये 2 परचेज़ किए हैं, ये 350 रुपीज़ की है, बट अगर आप
ये एक्सेल साइज था, सो ये वाला जो भैया दिखा रहे हैं ना ये डबल एक्सेल साइज है, मैंने ये वाला परचेज किया था तो ये मुझे पड़ा 450 रुपीज में, बट अगर आप एक्सेल साइज लेते हो तो इट विल कॉस्ट यू 350 रुपीज। देन अगर हम एक शॉप के अंदर घुसे जहाँ पे ये जीन्स वगैरह मिल रहे थे एंड क्रॉप टॉप्स वगैरह मिल रहे थे, थोड़ा स्टाइलिश थे टॉप्स थे, तो यहाँ से मैंने दो जीन्स परचेज की। एक मैंने बूट कट जीन्स ली थी दैट कॉस्टेड मी 650 एंड एक मैंने स्लिम कट जीन्स ली दैट कॉस्टेड मी 600 रुपीज़। इस शॉप पे स्टफ काफ़ी अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छी थी, कंपैरेटिवली बाहर के मुकाबले थोड़ा सा कॉस्टली था। फाइनली हम लोग सरोनी नगर मार्केट से सारी शॉपिंग करके निकल गए और मैं आपको बता दूँ कि आप लोग आ रहे हो, आप लोग अगर यहाँ आ रहे हो और आप सोचे कि मैं एक्सप्लोर करके जाऊँगी तो ऐसा नहीं होगा। हमारी शॉपिंग देख लो, ये देखो, ये ना हमें दो थैले खरीदने पड़ गए, हमारे पास इतना सामान था और करीबन 3-4 घंटे हमको लग गए। तो अगर आप आ रहे हो तो भाई जेब भर के लाएं और साथ में तो थैले भी लेके आएंगे, क्योंकि खाली आता आप नहीं जाओगे। अब हम जा रहे हैं कुछ ढूंढने खाने पीने के लिए, क्योंकि हमें भूख लग गई और यहाँ आ गया मॉल, ये ना मॉल, और मॉल में हम जाएंगे कुछ खाने पीने। तो हम लोग यहाँ आ गए सागर रत्ना में, इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो हमने अपने लिए थाली ऑर्डर की खाने की, वो खा के फिर हम लोग निकलेंगे घर, घर जाके फिर देखेंगे सामान में कितनी गोची हुई है नहीं हुई है। वो बच्चों का सामान अच्छा ही लिया है मैंने, देख दाख के लिया है और कुछ ट्राई करके भी लिया है। यस, घर पे बात कर रही है वो, पहले फटाफट कुछ खा लेते। ये रिचा ने धावा बोल दिया खाने पे। क्या क्या है ये, क्या क्या, वो समझ ही नहीं आ रहा। पूरी ये सब क्या है, ये लोबिया है, ये लोबिया है, ये रसम है, राइस आपलम, इसे आपलम कहते हैं, ये पापड़ है आपलम, आपलम। फाइनली हम लोग खा पी के यहाँ से निकल चुके हैं और हालत हम दोनों की बहुत ज्यादा टाइट है आज, कम से कम से कितना, हम 1 बजे आ गए थे, 1 बजे और अभी बज रहा है शाम के 6 बज रहे हैं, तो 1 से 3 बजे ऑलमोस्ट 5 घंटे हमें यहाँ पे लग गए। और जैसे कि मैंने बोला कि मैं ये सोच कहती कि अगर मुझे कुछ पसंद आएगा तो ही मैं लूंगी, ऐसे कोई मेरा एजेंडा नहीं था कि मुझे कुछ खरीदना है, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस मार्केट, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, उसका बिल्कुल विपरीत हुआ। हमारे पास इतनी ज़्यादा शॉपिंग हो गई थी कि हमें 2 एक्स्ट्रा बैग्स खरीदने पड़े। तो अगर आप भी आ रहे हैं कभी सरोजनी नगर तो पैसे रख के लाएं, बिकॉज आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ खरीद के तो जरूर जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, आप सुनूंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, और सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय।